जी, ये आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये कोविड पेंडेमिक के लिए टेस्ट की सहूलत है स्टेट की तरफ से, और ये फ्री में टेस्ट होता है। और ये इलाका है, उल्म शहर का नाम है, और ये सिटी सेंटर है उल्म का। उल्म के सिटी सेंटर में ये टेस्ट के लिए इन्होंने लैब बनाई है, जहाँ पे फ्री में टेस्ट की सहूलत मौजूद है, और यहाँ से वो लोग मुस्तफीद होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, जिनको किसी भी इंडोर एक्टिविटी के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, वो बग़ैर वैक्सीनेशन के इसमें शामिल नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे किसी जगह खाना खाना है, लंच डिनर, तो वो होटल्स वाले सबसे पहले वैक्सीनेशन का पूछते हैं। तो वैक्सीनेशन अगर नहीं है तो फिर इस सेंटर में आके वो लोग टेस्ट करवा लेते हैं। ये टेस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर इस टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल जाती है, और वो रिपोर्ट जो मिलती है उसके बाद ये सर्टिफिकेट भी देते हैं, और वो सर्टिफिकेट जो है तकरीबन 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। ये सर्टिफिकेट दिखा के 24 घंटे तक आप वो तमाम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसके लिए वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। तो ये फैसिलिटी जर्मनी में तकरीबन तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों में मौजूद है। और इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनको एपोथीके बोलते हैं, वहाँ पे भी ये रैपिड टेस्ट बोलते हैं इसको, रैपिड टेस्ट की सहूलत उन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ एक खासी अहम मुझे लगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस है, पहले फर्स्ट डोज़ लगेगी, फिर 15 दिन के बाद दूसरी डोज़ लगेगी, फिर उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उससे पहले आपकी तमाम इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रुकी हुई होती हैं, आप नहीं एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये इस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ से रैपिड टेस्ट करवाएं, आधे घंटे बाद टेस्ट सर्टिफिकेट भी मिल गया, और 24 घंटे के लिए आप तमाम एक्टिविटीज़ में जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शन है ये सर्टिफिकेट दिखा के शामिल हो सकते हैं। तो इस सेंटर में जो साहब मौजूद हैं उन्होंने इजाज़त दी, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं।